शायद शायद क्या लॉजिक है, क्या केमिस्ट्री इस मूवी के पीछे? कोई लॉजिक नहीं है, बेसिकली बस बनाने के मतलब इस फिल्म में हर चीज पॉसिबल है एक्सेप्ट सवाल। अच्छा, सब कुछ पॉसिबल है एक्सेप्ट सवाल। वाह, सो फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस आईडिया? सॉरी, फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस आईडिया? दिस मूवी बेस्ड ऑन बेसिकली ऑन बुक, बुक नेम इज नमक स्वादा गुस्सा। तो मैंने बुक पढ़ी थी और मैंने प्ले देखा था एनएसटी में 2016 में, जहाँ पे मुझे निखिल सुशांत ने बोला था ट्राई कर सकते इस फिल्म, इस सब्जेक्ट पर फिल्म। मुझे लिखने में एक साल गए थे, फिर मैंने ट्राई किया और जहाँ पे सारे स्टार कास्ट मुझे हेल्प, स्पेशली सौरभ कृतिका ने जो हूबहू वही कैरेक्टर निकाला जो बुक में, बेसिकली आप वो लोग उससे अच्छे कर गए वो लोग उसमें। सो बेसिकली इट्स अ टीम वर्क।
खुद आना है, मतलब बनाना या यू नो अभी आ रहे पढ़ने का 8 मार्च को? फिल्म को बनाना चुनौती नहीं था एक्चुअली, फिल्म को बाहर निकालना चुनौती होता है जी। और काफ़ी सारे लाइक आप देखोगे तो नए कास्ट के साथ काम करना, नया डायरेक्टर, नए कॉन्सेप्ट तो काफ़ी प्यारी है, तो उसके चैलेंज हुए काफ़ी। आपको थिएटर्स नहीं मिलते हैं, फिर आपको प्रूव करना पड़ता नहीं यू कैन, आप देखो हमारी फिल्म भी, हमारी चैलेंजेस था सर। और ये फिल्म का जो बोलोगे, फिल्म का जो वन लाइनर है लाइक सामने सर कैमरा सेंटर शादी पे है, बेसिकली जो चीज़ शादी के रिलेटेड लोग जो दिखाना चाहते हो दिख नहीं पाती है, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शादी, इस तरह की मूवी भी शादी पे बन सकती है। तो बाकी आप फिल्म 8 मार्च को देखना, वही पता चल जाएगी आपको सर। अच्छा, यही जान चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि प्लेस से इंस्पायर किया गया, प्लेस से इंस्पायर तो अक्सर फिल्में बनी हैं जो काफ़ी कामयाब साबित हुई हैं, तो आपका क्या मानना है ये फिल्म के बारे में? सर मैं इंस्पायर नहीं हूँ ना ही प्लेस से, बस मैं उनसे एक मुखातिर हूँ सर, समझ लो। जो उनकी बुक पढ़ी, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छी लगी, फिर मैंने अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया। हाँ, नाम मैंने दिया है स्वागत उस बुक का, और इस पे 1962 में भी जितेंद्र साहब की फिल्म बन चुकी थी, तो बस उसी तरह से, पर वो कुछ और जॉनर थी, हमारी कुछ और, ये प्योर फैमिली ड्रामा है। शायद लोगों ने अभी तक नागिन डांस देखा नहीं, तो हम इस फिल्म से वापस नागिन डांस लेके आने वाले हैं। जब नागिन डांस देखो, वो हमने इस फिल्म में दिखा है नागिन डांस कैसे होते हैं। अब हमारे यूपी बिहार में जाओगे तो विदाउट नागिन डांस तो शादी नहीं होती, तो इस फिल्म में वही हमने दिखाया, मेरा पंच लाइन वही है। और किस तरह से शादी करनी चाहिए, एक माँ बाप को सोचना चाहिए उसके बेटी के लिए, और एक लड़के के माँ बाप को जो आप शादी कहाँ कर रहे हो, किस तरह से। तो पूरी तरह से ये फैमिली फिल्म है या कुछ? प्योर फैमिली फिल्म है सर। तो सेंसर से कोई ऑब्जेक्शन हुआ था इस फिल्म? कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ सर, अब तो मेरा वो प्यार हो गया सेंसर से, सही बता रहा हूँ सर, कोई ऑब्जेक्शन। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि जब भी कोई नया प्रोड्यूसर, नया डायरेक्टर आता है, जिसका बजट उतना ज्यादा नहीं रहता, तो क्या करना चाहिए? सेंसर कितना सपोर्ट करती है, कितना सपोर्ट? सेंसर सपोर्ट करती है, आप अगर उसको फॉलो करो सर, और गवर्नमेंट में हमारे इंडिया में एक लॉ है, बस लॉ को फॉलो करो, बस वही है और कुछ नहीं है। मैम आपसे जानना चाहूँ, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में, क्या किरदार निभा रही है और कितना ज्यादा यू नो मनोरंजन रहा फिल्म के शूटिंग में? लुक सेंटर किया पॉसिबल है, मल्टीपल स्वागत है लेकिन स्वागत होती नहीं है। सो वो उसके इश्यूज़ है अलग अलग, वो एक खुले ख्याल आपकी लड़की है जो नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है कि माँ बाप ने चाहे शादी कर ली हो कर ली, उसके अपने कुछ ख्याल है, वो अपने कुछ उसके विचार हैं जो अब उस पर ही उसको वो टिकी रहती है, और अगर उसको अपने पति को छोड़ना पड़े तो वो बेझिझक छोड़ के चली जाती है। सोसाइटी के ऊपर तमाचा है जो बोलते हैं दुल्हन आए तो सिर्फ 2.5 फीट के घूंघट बांध लो इस तरह से, तो ये हमारी दुल्हन उस तरह से नहीं है, वो अपनी इन लॉज को घूंघट में रखना चाहती है और खुद आउट ऑफ घूंघट रहना चाहती है, बेसिकली यही इसको आग्रह। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी शादी होती है लड़की की उसको एक लिमिटेशन में रहना पड़ता है, तो क्या समझती है जब जाएंगे, खासकर लड़कियां जाएंगे देखे तो कितना ज्यादा एंजॉय करेंगे सब्जेक्ट को? इसलिए तो हमने 8 मार्च को रिलीज किया है, वुमेंस डे को रिलीज किया है। लड़कियाँ जाएगी और बहुत इंजॉय करेंगी, क्योंकि हर लड़की के मन में बहुत सारी हसरतें होती है जो वो नहीं पूरी कर पाती आज, उसको कुछ ना कुछ अपने सास ससुर से डर के अपने अपने घर वाले भी उनके कुछ बोल देते हैं कि नहीं तुम अच्छी घर की बहू बेटी भी तरह होगा, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, लेकिन आई थिंक जिसका जो मन हो, गलत गलत काम मत करो, लेकिन जिसका कुछ ना कि हर लड़की का कुछ मन होता है कुछ करने का, वो करना चाहिए, अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो किससे छुप के डर के नहीं रहना चाहिए, तो जो मन है वो करो, किसी का दिल मत दुखाओ। तो डेब्यू फिल्म में हिंदी फिल्म या आपने पहले भी तो प्रोडक्ट में काम किया एज अ लीड? नहीं, एज अ लीड मैंने एक फिल्म की थी झमेला, वो 2015 में रिलीज हुई थी, इसके अलावा मैंने सुल्तान में एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, ऐसा छोटा छोटा काम तो काफ़ी किया है, लेकिन हाँ एज अ लीड एक झमेला फिल्म की थी मैंने, और टीवी शोज वगैरह किया काफी, टीवी शोज मैंने काफी 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 टीवी तो ये बताइए आज के दौर में जो टीवी शोज का जो भी अभिनेत्री हैं आप, तो कितना ज्यादा ये पॉजिटिव चीज है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करिए, जैसे मोहित राय की बात कर लो, अक्षय के साथ काम कर रही है, ये जो एक्सेप्टेंस है कितना जरूरी था कि टेलीविजन आर्टिस्ट को? ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि काफी टाइम से देखते हैं कि जो लोग टीवी पे काम कर रहे हैं वो टीवी में ही काम कर रहे हैं, टीवी की जो लीड की एक्ट्रेस है उसको फिल्मों में बहुत ही काम निकम देखा हुआ, और अभी बहुत अच्छा है कि एक टाइम पीरियड के बाद इंसान भी थक जाता है टीवी करके, क्योंकि हर कोई मुंबई फिल्म्स करने आया है,
टीवी किसी की चॉइस नहीं है, सो टीवी क्यों कर लेते हैं इंसान की, चलो ठीक है अपना खर्चा चलाने के लिए, चलो ठीक है मुझे काम मिल गया है, फिर बहुत स्ट्रगल है ये है वो, लेकिन एंड में हमें करनी तो फिल्म ही है, सबको हम फिल्म करने आए हैं। सो बहुत अच्छा है, मौनी रॉय है और दो तीन लड़के और जो अच्छी अच्छी फिल्म कर रही है, होपफुली सब लड़कियों को चांस मिले, जो जिनमें टैलेंट है सब लड़कियों को चांस मिलना चाहिए। सर आपसे हम जब आपका कैसे अनुभव था फिल्म के शूटिंग के दौरान और क्या रोल क्या निभाया? जो फिल्म के दौरान जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था, सब जगह पहली बार काम कर रहे थे, स्क्रिप्ट सुनी थी इससे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी जो हमने सुनी, तो पहले एक दो नरेशन दिए जिसमें लगा कि कुछ है, फिर दोबारा फिर हमारे साथ मीटिंग हुई तो दो तीन दफ़ा हम लोग मिले तो फिर डिसाइड किया चलो प्रॉपर शूट करते हैं। उसके बाद शूटिंग करना बहुत मज़ा भी आया काम करने का, कभी कुछ शूटिंग आराम से डाउन वो भी और अच्छे रहे और काम निकल के बहुत बढ़िया निकल कर आया हम सब लोगों का। और मेरा जो किरदार है वो ये है, अगर आप जब भी आप फिल्म को जाके देखें 8-5 को, तो ये कि मेल ईगो होती है जो एक आदमी के देख पति के अंदर जो ईगो होती है अपनी पत्नी को लेकर, वो कैसे उस पर उसके वक्त अपना प्रेशर डालता है एज एन हस्बैंड की पत्नी जब आती है, तो उसको दिखाया गया कि उसके क्या क्या मतलब उसको क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, कि ये नहीं कि आज की वो नारी नहीं है कि आप शादी करके लेके आ गए जो आपका मन है उससे वो आप बोलोगे सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं सोचते, कुछ है ट्विस्ट है लाइफ के अंदर आते हैं इसके जो उसके लाइफ में कभी ट्विस्ट आते हैं कि शादी के बाद क्या क्या कैसे उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है, सोचता कुछ और होता कुछ और, तो ऐसे ट्विस्ट है 3-4 जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एज अ लीड आप पहली बार डेब्यू कर रहे हैं या पहले भी? एज अ लीड मेरी पहली फिल्म है, इससे पहले मैंने 7-8 शॉर्ट फिल्म्स की हुई हैं उसमें मैं काम करा, फिर मैंने टीवी शो किया स्टार प्लस के लिए, फिर उसके बाद सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने चांस दिया काम करने का। सर जब आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो एक पॉकेट ऑडियंस के लिए बनाते हैं, काफ़ी शॉर्ट फिल्म मोबाइल पे देखी जाती है ओके, जहाँ पे आपको ये नहीं दिखता है जो कुछ भी कैसे स्क्रीन पे क्या दिखने वाला, जो आप बेसिकली आंखों से, सर पहली बार जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं कई तरह के आंखों से सोचता हूँ, मैं क्या दिख रहा हूँ मेरे ऑडियंस किस तरह से, ऑडियंस में काफ़ी सारे ऑडियंस होते हैं इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, एक फिल्मों की सर चैलेंजेस होते हैं क्योंकि फिल्म में क्या होता है एक सब्जेक्ट ही नहीं काम करते हैं, जो सस्पेक्ट है पीछे तो आप समझो पौधे पक्षी से भी आपको एक्टिंग करानी पड़ती है, उस तरह से सारी चीज़ होती है, तो काफ़ी डिफरेंस है सर शॉर्ट फिल्म और फिल्म में। सर सबसे जो प्रोड्यूस करें फिल्म को क्या मतलब आपको इंस्पायर किया पैकअप करने के लिए प्रोजेक्ट को, क्या ऐसा आपको इंस्पायरिंग लगा? मैंने सिल्वर सिर्फ अभिनव को देना होता है तो बस सब कुछ आ गया समझ। हाँ तो एज अ पर्सन एज अ डायरेक्टर क्रिएटिव पर्सन क्या आपको सबसे खास ये खासियत है जो भी करता दिल से करता है कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। लेकिन कॉमर्शियल बिजनेस है सर, तो जब भी कोई प्रोड्यूसर बैकअप करता है तो काफ़ी सारे उसके मन में रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी देखा और कुछ नहीं देखा, बस सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो कितना बड़ा कितना सपोर्ट रहा आपका, कैसे गाइड किया मेंटर किया मतलब आप प्रोड्यूस करें फिल्म को? बजट के पार थी, बजट के अंदर थी। अरे क्या बात कर रहे हो, बजट के अंदर ही थी सर, तभी तो बन गई, तभी तो बन गई, बाहुबली शूट नहीं कर रहा था सर, बाहुबली शूट नहीं कर रहा था।